हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी इस लॉकडाउन में, और हमारे कुछ डाली गई वीडियो को भी आप देख रहे होंगे। आशा है कि आप वीडियो को देख के समझ रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मैंने सेलेबरी ग्लैंड के बारे में बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया था। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या थे? सेलेबरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक्स्ट लीवर, पैनक्रियाज। तो आज हम लोग कुछ फिगर के थ्रू समझेंगे कि ये गैस्ट्रिक यानी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे सेलेबरी ग्लैंड, ये माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी के बैक वाले पार्ट में सेलेबरी ग्लैंड होते हैं। ये सेलेबरी ग्लैंड है जहाँ से क्या सीक्रेट होता है? स्लाइवा, ठीक है। और स्लाइवा क्या चीज़ कंटेन करते हैं? एंजाइम्स। तो उस एंजाइम्स का क्या नाम है? सेलेबरी अमाइलेज। देन नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड का डाइजेशन का जो मैकेनिज्म होगा, जो प्रोसेस होगा, वो स्टेप होगा। तो वो स्टेप पढ़ेंगे हम लोग कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फूड का डाइजेशन हुआ, कैसे माउथ में गया, माउथ से देन उसका डाइजेशन कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एसिमिलेशन कैसे हुआ, देन वो रिमूव कैसे हुआ, यानी इसका एक्सक्रिएशन कैसे हुआ, वेस्ट मटेरियल के रूप में जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी के बाहर किस प्रोसेस के थ्रू बाहर गया, रिमूव हुआ। तो ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे आज। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व डाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इन ग्वेनुलू। वेरियस स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाइजेशन का। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन, ठीक है। ये इंजेशन क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को क्या करते हैं? टेकिंग, फूड को लेते हैं, ठीक है, यानी फूड को लेने का प्रोसेस। तो फूड को कहाँ लेते हैं? माउथ में लेते हैं। तो प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन, मतलब इनटेक करना, लेना। देन नेक्स्ट, कुछ फिगर के थ्रू मैं बता रही हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट फिगर है, तो यहाँ पे फूड को माउथ में लिया गया। जैसे माउथ में लिया गया तो सेलेबरी ग्लैंड हेल्प रिलीज एंजाइम। तो सेलेबरी ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होने लगे, सेलेबरी अमाइलेज। ये क्या करने लगे? फूड में जाके मिक्स होने लगे, ठीक है, और ये फूड टूटने लगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, टू नंबर में देखिए, जैसे फूड जो है सेलेबरी ग्लैंड यानी सेलेबरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकले, सेलेबरी अमाइलेज, जब ये फूड क्या होने लगे? टूटने लगे, यानी मतलब वो फूड जब गीला होने लगा, तब वो आप उसको क्या करेंगे? सॉलिड बाय द हेल्प ऑफ टंग, टंग की हेल्प से उसको आप निगलेंगे। धीरे धीरे वो फूड फूड पाइप में जाएंगे, यानी इसियोफेगस में। थर्ड नंबर में देखिए, धीरे धीरे फूड निगल के इसियोफेगस में गया। ये फूड है, येलो वाला स्ट्रक्चर फूड है, इसियोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। देन नेक्स्ट फोर स्ट्रक्चर है, इसियोफेगस से होते 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 इसियोफेगस की ओपनिंग कहाँ होती है? स्टोमक में, ठीक है। तो हमने क्या बताया था?
कि इसियोफेगस के वॉल पे एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। देखिए ये मूवमेंट के थ्रू ये फूड नीचे की तरफ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट फाइव नंबर में देखिए ये फूड कंप्लीट रूप से कहाँ चला गया, ये वाला स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो यानी ये जो पूरा होल प्रोसेस है ये इंजेशन का प्रोसेस है, यानी इसमें फूड को हमने इनटेक किया, फिर टंग के थ्रू यानी फूड को निगला, निगलने के बाद वो फूड पाइप में गया यानी इसियोफेगस में गया, इसियोफेगस में क्या हुआ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुए, देन उसके बाद ये फूड स्टोमक के अंदर गए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप फिर डाइजेशन। अब ये फूड स्टोमक के अंदर चले गए, अब स्टोमक में क्या होगा, फूड ब्रेक होगा। तो हमने क्या बताया था, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यानी स्टोमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से जो फूड होते हैं वो ब्रेक करते हैं स्टोमक में। तो देन नेक्स्ट हुआ डाइजेशन। लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी लार्ज इनसॉल्युबल जो कॉम्प्लेक्स फूड थे, इनसॉल्युबल नहीं थे, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक करने लगते हैं और वो स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो मतलब सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं, वाटर जैसे फॉर्म में हो जाते हैं, यानी सॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन, यानी जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, तो या तो आप ये भी कह सकते हो कि लार्ज कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपल फूड में चेंज होने लगता है ब्रेक डाउन होने के बाद, तो वो डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो डाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या बताया था, देखिए जैसे ये फूड यहाँ गया, तो देखिए यहाँ पे स्टोमक वॉल कंटेन थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड्स सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, कंटेन थ्री सब्सटेंसेस, क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस एंड वाटर। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होगा। देखिए ये फूड टूटे हुए हैं, दिख रहे हैं टूटे हुए फूड, यानी ये फूड का ब्रेक डाउन हुआ है। देखिए ये फूड टूटे हुए हैं, देखिए ये फूड है, ठीक है। देन यहाँ पे ये HCl का क्या वर्क है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, किल मोस्ट बैक्टीरिया एंड मेक द मीडियम एसिडिक, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। जब हम फूड को लेते हैं तो उस फूड में जो भी बैक्टीरिया है तो उसको क्या करेंगे, ये HCl ब्रेक कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। देन पेप्सिन का क्या वर्क होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। ये क्या करते हैं, उस फूड में जो प्रोटीन मिले हुए हैं उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं। म्यूकस एंड वाटर का क्या वर्क है, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ HCl। इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूकस है, वाटर है, वो स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। जब HCl क्या करते हैं, HCl से जो सिक्रीशन होता है जो वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्योंकि HCl जो तो एसिडिक फॉर्म में होता है, अगर HCl ज़्यादा हो जाए तो हमारे स्टोमक को हान पहुँचेगा, तो इससे ये म्यूकस क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, मतलब अपने ही स्टोमक को, अपने ही स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर HCl ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करने लगे, होने लगे, तो हमारे स्टोमक के वॉल को प्रॉब्लम होने लगेगी, तो ये म्यूकस क्या करेंगे, उस वॉल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बचाएंगे। देन नेक्स्ट है
अब क्या होगा डाइजेशन में? लीवर और पैनक्रियाज। मैंने पहले बताया था कि लीवर से भी सीक्रीशन होता है और पैनक्रियाज से भी सीक्रीशन होता है, क्योंकि लीवर भी क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो लीवर से क्या होता है, बाइल जूस निकलते हैं, ठीक है। बाइल जूस कैसा होता है, ग्रीनिश येल्लो लिक्विड स्टोर इन गॉल ब्लडर। बाइल जूस कहाँ स्टोर होते हैं, गॉल ब्लडर के अंदर, किस कलर के, ग्रीनिश येल्लो कलर के, इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में स्टोर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मेक द एसिडिक अल्कलाइन, ये एसिडिक फूड अल्कलाइन होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। बाइल साल्ट्स ब्रेक द फैट्स, बाइल क्या करते हैं, साल्ट्स ब्रेक द फैट्स एंड डाइजेस्ट दैम। और ये बाइल जो करते हैं फैट को ब्रेक करते हैं, साल्ट को ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट कर, फिर उसको पचाते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसको पचाते हैं। पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या वर्क होता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी स्टार्च को तोड़ते हैं। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड, उसको उसका ब्रेक डाउन तो करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। लाइपेज क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में जो फैट्स होते हैं, लाइपेज उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ये लीवर, ये लीवर है, लीवर से क्या हो रहा है, बाइल जूस निकल रहा है, निकल कहाँ जा रहे हैं, यहाँ, ठीक है। देखिए देन नेक्स्ट पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस हैं, हमने था कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, स्मॉल फूड यानी कि सिंपल फूड, प्रोटीन्स को किस में चेंज करते हैं, अमाइनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है जो कॉम्प्लेक्स फूड है, चेंज होने के बाद ग्लूकोज बना, ठीक है। प्रोटीन जो है वो चेंज होने के बाद अमाइनो एसिड बना, जो फैट्स हैं वो टूट करके फैटी एसिड्स बने और ग्लिसरॉल में चेंज हो गए, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये सारे सिंपलर फॉर्म में हैं। तो पैनक्रियाज से जो सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस, इसको यानी कॉम्प्लेक्स फूड को यो स्मॉल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये है स्टोमक, और स्टोमक का जो वॉल से जो ट्यूब गया है वो है सारे ट्यूब, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये फूड देखिए, जैसे यहाँ पे फूड है स्टोमक के अंदर, तो यहाँ क्या होता है, एग्जिट फूड फ्रॉम स्टोमक, तब स्टोमक से फूड को एग्जिट होना ज़रूरी है, बाहर निकलना ज़रूरी है। तो स्टोमक से जैसे ये फूड जिस वॉल से नीचे आता है, तो वहाँ पे एक मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, इसकी हेल्प से वो सारे फूड्स कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये फूड है, देखिए ये फूड है, ये फूड है, और ये फूड ये वॉल से नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, यानी इस वॉल में क्या हो रहा है, स्फिंक्टर मसल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये फूड को नीचे की तरफ ला रहे हैं, नीचे की तरफ कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड का क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है,
कि जो डाइजेस्टेड फूड है। हमने क्या बोला कि मैंने पहले पढ़ाया था कि डाइजेशन का जो कंप्लीट डाइजेशन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, यानी स्टोमक से, स्टोमक का काम होने के बाद ये फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फिर वहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, होने के बाद अब जो इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल, वो क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ब्लड क्या करते हैं, उस कंप्लीट फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये है इंटेस्टाइन, यानी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये है इंटेस्टाइन। मैंने पहले स्टडी किया था कि इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। देखिए यही है, ये विलाई, ये है, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको दिख रहे होंगे पतले पतले सीलिया, ये जो पतले पतले आउटर स्ट्रक्चर हैं वो सीलिया कहलाते हैं। ठीक है, जो हेयर लाइक होते हैं, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, कितने सारे विलाई हैं, छोटे बड़े विलाई हैं, देखिए, और ये दिखने में ऐसे होते हैं। ठीक है, यही विलाई क्या करते हैं, वो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ फूड है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये एब्जॉर्ब वाला फूड का क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है यानी वो विलाई, इसने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब ये एब्जॉर्ब फूड का क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल। अब ये एब्जॉर्ब फूड को क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो यूज़ करते हैं, एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये बॉडी के सेल्स क्यों यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस का काम चलता है उसके कारण एनर्जी चाहिए। तो ये सेल्स क्या करते हैं, उस एब्जॉर्ब फूड को ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल्स, बॉडी के सेल्स, और उसे एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं, ग्रोथ के रूप में यूज़ करते हैं, रिपेयर के रूप में यूज़ करते हैं। यानी जब भी सेल का मतलब जब भी सेल ब्रेक करते हैं या टूटते हैं तो उसको रिपेयर का काम, मेंटेनेंस का काम चलता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गेन हैं, ठीक है, एज यू नो डैट कि जैसा कि आपको पता है कि जो सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम चलता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम से होल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सेल, अगर जब तक सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो टिश्यू को नहीं मिलेगी, टिश्यू को नहीं मिलेगी तो ऑर्गेन को नहीं मिलेगी, ऑर्गेन को नहीं मिलेगी तो हमारा ऑर्गेन सिस्टम नहीं चलेगा, जब ऑर्गेन सिस्टम नहीं चलेगा तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। तो सबसे मेन काम क्या होता है, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए तभी वो हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी करेंगे, जब ये एक्टिविटी करेंगे तभी हमारा लाइफ प्रोसेस चलेगा। देन नेक्स्ट है, देखिए यह फिगर है, यहाँ पे द एसिमिलेशन फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई थे उसने सारे फूड को एब्जॉर्ब किया, अब उस एब्जॉर्ब किए हुए फूड को देखिए सारे बॉडी में, यानी सारे बॉडी के सेल्स से स्प्रेड किए जा रहे हैं,
यानी ये जो एरो को जो इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब है कि सारे फूड्स हमारे बॉडी के सेल में जा रहे हैं, हमारे फूड एनर्जी के रूप में सारे सेल में जा रहे हैं, फिर हमारा सेल्स वर्क करेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन मतलब रिमूव करना, एक्सक्रीट कर बाहर निकालना, एलिमिनेट करना। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं बॉडी के थ्रू रिमूव होते हैं, तो इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन की। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ, देन फूड को एब्जॉर्ब किया गया, फिर उसको एनर्जी के रूप में पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, जो हमारे सेल्स उसको यूज़ कर लिए, देन जो फूड बच जाते हैं यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं जिनकी हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो फूड क्या होते हैं, वेस्ट के रूप में बन जाते हैं। तो उसको हमारे बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है क्योंकि वो वेस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए ये वेस्ट जो हैं, ये वेस्ट कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए ये जो है ये वाला पार्ट, ये है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो कहाँ पे है, लार्ज इंटेस्टाइन में है। ठीक है, तो देखिए ये धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन्स के वॉल से होते होते कहाँ पे आ गए, रेक्टम वाले पार्ट में। ठीक है, ये रेक्टम वाला पार्ट है, देन ये सबसे लास्ट वाला पार्ट एनस है, और रेक्टम से फिर एनस में आएंगे। तो एनस में क्या होगा, हमने क्या बताया था, एनस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पिंक्टर, ठीक है, एनल स्पिंक्टर जिसको बोलते हैं, एनल स्पिंक्टर। ये क्या करते हैं, एनल स्पिंक्टर उस अनडाइजेस्टेड फूड को मूव करते हैं, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, उस फूड को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, इससे ये फूड क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तब अब आपने न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। ठीक है, कि अमीबा में सबसे पहले आपने जाना कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाना, ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हेटरोट्रॉप्स के बारे में, देन नेक्स्ट न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा। देन नेक्स्ट मैंने ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं वो पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप्स हैं फूड का डाइजेशन का स्टेप, डाइजेस्टिव ग्लैंड से एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा, जो बिगनिंग पार्ट है माउथ है, और जो एंडिंग पार्ट है वो एनस है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड एसोसिएट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन थे, एक थे आपके सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन नेक्स्ट लीवर, नेक्स्ट पैनक्रियाज। तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है फूड के डाइजेशन में। तो हमने फूड के डाइजेशन में सारे मतलब गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, और सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रीशंस होते हैं, वो सारे सिक्रीशंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, बाइल जूस का क्या वर्क होता है। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस का क्या वर्क होता है,
ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, देन अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ होते हैं, फिर वो कैसे रिमूव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।